Assalamualaikum viewers, this is Mahira Amjad. Welcome to Javed Publishers. आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 3 के चैप्टर 6 को वाइंड अप करेंगे, जिसका नाम है ज्योमेट्री, और अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. तो व्यूअर्स, पेज नंबर 124 पर देखते हैं समरी और रिवाइज करते हैं उन तमाम टर्म्स को जो हमने इस चैप्टर में सीखी, जैसे कि पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, साइड, क्लोज फिगर, पैरामीटर, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, सिमेट्री, एजेस, वर्टेक्स एंड फेस ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. व्यूअर्स, ये वो तमाम टर्म्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, सीखी और इनको जाना, यानी कि अब हम इन शेप्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इन टर्म्स के बारे में किसी को भी बता सकते हैं. अब देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज को. टेक द करेक्ट ऑप्शन. अ लाइन हैज एंड पॉइंट. व्यूअर्स, आपने पढ़ा है और इस कंसेप्ट को जाना है कि लाइन के पास कोई एंड नहीं होता, उसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि वो डबल हेडेड एरो से शो हो रही होती है. अ ट्राइंगल हैज साइड्स. व्यूअर्स, एवरीवन नो दैट ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स. अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ डायमीटर. वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो डायमीटर होती है. अब देखते हैं पेज नंबर 125 पर मजीद क्वेश्चंस को. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पैरामीटर. आप जानते हैं तमाम साइड्स को जब आप ऐड करते हैं तो उसके सम को आप पैरामीटर कहते हैं. अ व्हील ऑफ अ कार इज कॉल्ड अ सर्कल. आप जानते हैं कि कार के व्हील की शेप सर्कल होती है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने रूलर की मदद से ड्रॉ करनी है एक लाइन, एक रे, एक लाइन सेगमेंट. इसी तरह आपने नीचे रेडियस ड्रॉ करना है, सेंटर ड्रॉ करना है और डायमीटर ड्रॉ करना है एक सर्कल का. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ड्रॉ फिगर्स ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर पैरामीटर्स बाय मेजरिंग लेंथ ऑफ देयर साइड्स. तो व्यूअर्स, ये आपका टास्क है. आपने अपनी मर्जी से किसी भी लेंथ की ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है एंड देन उसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है. कुछ समरी ऑफ द चैप्टर फॉर ज्योमेट्री. उम्मीद है आपको इन तमाम कंसेप्ट्स की समझ आ गई होगी और अब आप शेप्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ.